कोरोना वायरस से जब पूरा देश लड़ रहा है, तभी वायरस से जूझ रही दिल्ली के लिए एक और चिंताजनक खबर है। सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी खराब तबीयत की जानकारी दी। बताया जा रहा है कि रविवार से केजरीवाल को हल्के बुखार के साथ गले में खराश भी है। कोरोना वायरस के रिस्क को ध्यान में रखते हुए मंगलवार को केजरीवाल का टेस्ट होगा। आपको बता दें कि जब तक केजरीवाल की कोरोना की रिपोर्ट्स नहीं आ जाती, तब तक सारी बैठक रद्द कर दी गई है। यहां तक कि सोमवार को भी उनकी मीटिंग्स कैंसिल कर दी गई थी। रिपोर्ट्स की माने तो केजरीवाल ने रविवार को दिल्ली में कोरोना की स्थिति की जानकारी देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसके बाद उनकी तबीयत खराब होना शुरू हो गई थी। अपनी तबीयत खराब होने के चलते केजरीवाल ने खुद को होम आइसोलेशन में रखा है। इससे पहले मई में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह और अप्रैल में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी कोरोना मरीज के संपर्क में आने पर सेल्फ आइसोलेट हुए थे। आज केजरीवाल का कोरोना टेस्ट किया जाएगा, लेकिन रिपोर्ट्स के आने में कितना समय लगेगा इसकी कोई जानकारी नहीं है। इस वीडियो में हमने आपको बताया कि अरविंद केजरीवाल की तबीयत नासाज है। ऐसे हालात में देखना ये होगा कि अगर अरविंद केजरीवाल की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो क्या दिल्ली पर इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि अब तक देश में कोरोना मरीजों की संख्या में दिल्ली लगातार तीसरे नंबर पर बनी हुई है। दिल्ली से ईशा मालवीय की रिपोर्ट, गुजरात तक।